ये आते जा रहे हैं, यहाँ आपको बड़े सस्ते रूम मिलेंगे, तकरीबन कह ले 250 रियाल का यहाँ आपको रूम मिल जाएगा। ये वाला जो होटल था सामने, ठीक है, होटल ग्रैंड है जी, ये अमार ग्रैंड होटल। ये देखें, ये बिल्डिंग देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मैं लेके जा रहा हूँ आज पाकिस्तानी होटल, जो कि सस्ते होटल हैं यहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ कहाँ से आप सस्ते होटल ले सकते हैं। ये जी सामने ये देखिए कुबरी है, और कुबरी से जैसे ही हम ये क्रॉस करेंगे तो आगे आएगा कबूतर चौक। मकसद मेरा ये है आज का ब्लॉग बनाने का कि पाकिस्तान में बहुत सारी रूमर्स भी हैं, और वैसे भी मैं देखने आया हूँ कि सुना था कि काफ़ी जो ये होटल हैं जो जबले उमर के साथ आगे जो होटल हैं वो बंद हो चुके हैं। तो आज फिज़िकली मैं आया भी हूँ, जाके देखते भी हैं कि वाकई बंद हैं या जस्ट रूमर्स ही हैं पाकिस्तान के अंदर के जी, क्योंकि ये काफ़ी आप कह लें कि तकरीबन 350 रियाल या 300 रियाल तक ये अच्छा रूम मिल जाता था 3 पर्सन के लिए, और ये वाले सारे आगे जो है 5 स्टार होटल हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब जाके आपको दिखाऊंगा कि कहाँ आप ले सकते हैं। शारा इब्राहिम हलील पे होटल लेने हैं आपने, यानी ये सामने जो आप देख रहे हैं कुबरी के साथ, ये बड़ी मशहूर रोड है जी, ये जो कह लें हरम के पास है जी, शारा इब्राहिम हलील। ये सामने आप देख रहे हैं जबले उमर, ये भी सारे 5 स्टार होटल्स हैं। तो हम जा रहे हैं जनाब, और आपको मैं पाकिस्तानी होटल भी दिखाऊँगा, अगर आप कोई खाना वगैरह लेना चाहते हैं पाकिस्तानी होटल पे जाना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ आज के ब्लॉग में वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन मेन मकसद मेरा जो आने का इस साइड पे, ये बताना अपने व्यूवर्स को या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि आया कि ये होटल्स बंद हो चुकी हैं कि ओपन हैं, ये मैं इंशाल्लाह बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने थंबनेल पर भी लगाया हुआ है कि काफ़ी होटल बंद हो गया जी मक्का के जो शारा इब्राहिम हलील के ऊपर। तो ये जनाब सामने जबले उमर, ये भी 5 स्टार होटल है, और कह लें कि हरम से ये जो होटल है सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊंगा होटल, अगर ओपन हुआ तो ये कह लें कि तकरीबन 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है। सबसे करीब तरीन होटल भी होगा ये, और दूसरा सबसे कम प्राइस, यानी तकरीबन 350-300 रियाल के अंदर एक अच्छा रूम मिल जाता है, और ये 2-3 स्टार तकरीबन ये इनके स्टार्स हैं यानी होटल्स के। तो आगे 5 स्टार होटल हैं, और ये जो सामने आपको 5 स्टार होटल के बाद जो होटल्स आते हैं ये जो कि इकनॉमिकल भी हैं काफ़ी, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी जाके। जी व्यूअर्स, ये कबूतर चौक है, अभी रात के टाइम तो कबूतर नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं, और ये बाज़ार भी मिलता है, रौनक है पूरी इस रोड के ऊपर शारा इब्राहिम हलील पर। ये देखिए जाय नमाज भी लोग बेच रहे हैं, कुछ ज्वेलरी बेच रहे हैं, कुछ बेच रहा है, कुछ फ्रूट बेच रहा है, यानी बड़ा ये माशाल्लाह ये कह लें कि रौनक लगी होती है इस रोड के ऊपर शारा इब्राहिम हलील पे। और जी मैं आ चुका हूँ, ये देखें, ये सामने जबले उमर का जो 5 स्टार होटल है, और सबसे पहले जो करीब तरीन होटल जो है वो होटल ये देखें अल गाली होटल है जी ये, लेकिन रूम इसके बहुत छोटे हैं ये मैं पहले बताता चलूँ, लेकिन मैं फिज़िकली देखें इधर पाकिस्तानी होटल भी एक है साथ, और ये देखें और होटल्स ओपन आई हैं, यानी वहाँ जो रूमर्स हैं कि ये होटल बंद हो गए हैं काफ़ी, उन्होंने बल्दिया ने बंद कर दिए हैं, वो गलत है। ये देखें ये होटल में अभी भी काम हो रहा है, और ये देखें ये बिल्डिंग है, और मैं आपको हरम का डिस्टेंस बता देता हूँ। ये देखें, ये मैं इधर नीचे आया हूँ, और वो सामने हरम है जी, वो सामने आपको हरम नज़र आ रहा है, यानी तकरीबन 10 मिनट की वॉक आप कह सकते हैं, जो सबसे करीब तरीन, और होटल का जो किराया है वो तकरीबन यहाँ तकरीबन कह लें 350 रियाल है, लेकिन ये होटल्स ओपन है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ, क्योंकि मैं इन होटल्स में रुका हुआ हूँ तो रूम्स बहुत छोटे हैं इनके, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये है जी अमारा सुल्तान, ये भी ओपन है जी, कोई भी नहीं यानी होटल यहाँ पर बंद। ये देखें, ये भी आप अंदर देख सकते हैं कि हाजी लोग आ रहे हैं और काम वगैरह चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं जी, ये कबूतर चौक से जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे प्राइस डाउन होती जाएंगी, यानी ये आगे फंदकल उलियान है, ये देखें ये सामने, ये भी कह लें कि तकरीबन 2-3 स्टार होटल है, और इसका किराया भी 400 रियाल था जब मैं लास्ट टाइम आया हूं,
इस टाइम देखते हैं जी ये भी ओपन है कि नहीं, ये देखें जी ये भी ओपन है जी ओपन। यानी मैं बात कर रहा हूँ प्रूफ के साथ कि ये भी होटल ओपन है। सुना था कि बंद हुए हैं लेकिन अभी तक तो नहीं है बंद, ये बिल्कुल ओपन है। आज का अगर आप देखेंगे ब्लॉग, आज क्या लें डेट है जी 26 नवंबर, तो ये होटल ओपन है। इसका 400 रियाल किराया था। अल अरीज फला होटल, ये देखिए अल अरीज फला होटल आगे आगे। ये होटल का भी रूम्स काफ़ी छोटे हैं लेकिन अच्छा रूम है, यानी अच्छा होटल बना हुआ है ये भी। और बड़ी रौनक वाली जगह पे है, ये देखिए सारी रौनक ही रौनक है यहाँ पे। और ये आ गया जी लुलू अल हलील, पहले इसका नाम लुलू अल हलील था, अब गया तार अल हलील होटल। ये देखिए इसका जो किराया था ये भी तकरीबन 350 रियाल अभी भी चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए और हरम देख सकते हैं, वो सामने हरम है, यानी यहाँ तक आते हुए आपको कह लें आप कोई 12 से 13 मिनट लगेंगे। ठीक हो गया, यानी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे प्राइस डाउन होती जाएंगी। और जो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब पाकिस्तान से कोई पैकेज करवा के आते हैं तो आपको काफ़ी दूर होटल देते हैं, बोलते वो यही हैं आपके ट्रैवल एजेंट के जी ये 500 मीटर पे है 400 मीटर पे है, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात कर रहे होते हैं। कम अज़ कम आपको 1200-1300 मीटर दूर आपको वो मिलता है जी, वो जो 500 की बात करते हैं। तो ये देखें आगे पाकिस्तानी होटल है, और इससे भी आगे लोग बड़ी बड़ी दूर से पाकिस्तानी आते हैं जिन बेचारों को नहीं पता, इसे उनके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो जो मैंने नाम लिए हैं आप अपने ट्रैवल एजेंट को वो नाम बताएं कि हमें ये चाहिए जी ये वाला होटल। जैसे मैंने लुलू अल हलील का नाम लिया है, अरीज होटल का नाम लिया है, ठीक है। मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जो हाजी आते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा होटल हम जाके ले रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज़ तो लोगों को पता नहीं होता। लोग बेचारे कोई भी नाम से आ जाते हैं और बड़ा बड़ा दूर पैसे वो ज़्यादा देते हैं लेकिन होटल बहुत दूर मिलते हैं, और आके जब इधर पूछते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता फिर बोलने का और ना ही किसी को पूछने का, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक करके होते हैं, पैसे दे दिए होते हैं, तो वो तकलीफ़ में रहते हैं क्योंकि काफ़ी दूर बुज़ुर्ग आते हैं यहाँ से बहुत दूर से। ये देखिए अभी मैं चलता जा रहा हूँ और ये ज़्यादातर जो तादाद है पाकिस्तानियों की है, देखिए काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। वो आगे जाके कुबरी एक और आएगी, तकरीबन वो 20 मिनट लग जाते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ 20 से 25 मिनट। तो ये देखिए आगे होटल ही होटल हैं जी ये सारे, और सारे होटल ओपन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाले होटल अब जाके 300 रियाल में भी आपको मिल जाएगा एक रूम, जिसमें 3 पर्सन के लिए यानी 3 बेड लगे होंगे, ठीक है जी। ये जी शारा इब्राहिम हलील की आप रौनक देख सकते हैं। तो मुझे इंशाल्लाह जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनके लिए दुआ तो कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यूवर्स जो मुझे अभी नया ज्वाइन कर रहे हैं मेरा चैनल, उनको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको मेरे ये मशवरे अच्छे लग रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, होटल्स की सारी मालूमात दे रहा हूँ, तो ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। मकसद सिर्फ ये है कि शायद कोई एक दो बंदे का फ़ायदा हो जाए, तो बस ये है कि आप बस दुआ कर दीजिएगा। मेन चीज़ तो यही होती है, यहाँ हरम आके अगर कोई उमैर भट्ट का नाम लेके दुआ कर देगा, यार किसी ने मशवरा दिया अच्छा मशवरा दिया, तो वही मेरे लिए बहुत यानी कह लें बड़ी बात है। तो ये देखें जनाब जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं यहाँ आपको बड़े सस्ते रूम मिलेंगे, तकरीबन कह लें 250 रियाल का यहाँ आपको रूम मिल जाएगा, ये वाला जो होटल था सामने, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो मेन चीज़ बताई है अरीज होटल, लुलू अल हलील, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है लुलू अल हलील सबसे बेहतर है इनमें, और उलियान, ये दो होटल अगर आप करीब लेना चाहते हैं, अगर 400 रियाल में भी आपको मिलता है तो आप वो ले लें, वो अच्छा है, यानी रूम भी अच्छे हैं उनके और सर्विस भी अच्छी है। तो ये जनाब आप आ गए हैं, ये देखिए सामने क्लॉक टावर है, और यहाँ से हरम जनाब कह लें देखने में ऐसे लगता है ये सामने हरम है, लेकिन काफ़ी चलना पड़ता है, कम अज़ कम इस जगह से आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊं जो बहुत ही ज़रूरी है, अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप इस एरिया में, यानी ये देखें जहाँ पाकिस्तानी होटल बहुत ज़्यादा हैं आपके सामने हैं, और ये आपको आप लोकेशन समझे, बस एक चीज़ है कि लोकेशन समझने की बात है। ये देखिए असली गुजरांवाला होटल, ये पाकिस्तानी होटल के करीब हम आ चुके हैं और कुबरी के करीब आ चुके हैं, जो फ़लस्तीन होटल भी है वहाँ पर वो भी 5 स्टार होटल है, और इसके सामने ग्रैंड होटल, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वो एक ये होटल है जी अल ताज अल राकी होटल, ये भी होटल अच्छा है। ये होटल इन सामने वाले होटलों से कुछ बेहतर है, यानी अगर आप इस एरिया में आके होटल लेते हैं, यानी इतनी दूर अगर आप होटल लेते हैं तो फिर आप ये सारे चीज़ें भूल जाएं,
तो आप सीधा ग्रैंड होटल लें, सबसे कम प्राइस में मिलेगा आपको तकरीबन 250 रियाल में रूम, बड़ा खूबसूरत आपको मिलेगा, 3 या 4 बेड वाला। तो क्यों कि ये बिल्डिंग्स है पुरानी, ये आप देखें, ये आपको पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, लेकिन इससे आगे जो अगर आप इस एरिया में लेना चाहते हैं, इतनी दूर लेना चाहते हैं, तो फिर कोई दूसरा आप होटल ना लें, आप ग्रैंड होटल लें, वो सबसे अच्छा और 5-स्टार होटल है वो भी, लेकिन सिर्फ दूर होने की वजह से उसका रेंट जो है वो 250 से 300 रियाल है, यानी 250 रियाल में रहा वो मिल जाता है आपको इजीली। और यहाँ आप देख रहे हैं ये बकाले भी हैं और रौनक आप देख सकते हैं शाह इब्राहिम हलील की, ये देखे सामने जनाब माशाल्लाह हाजी आ रहे हैं। तो बस ये मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अपने व्यूवर्स को बता सकूँ कि होटल सारे ओपन हैं, अगर आपको वहाँ कोई ट्रैवल एजेंट बोलता है कि जी होटल बंद है इसलिए चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं, और बड़ा यानी मोनोपोली बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये मैं व्लॉग जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, हो सकता है कल ही कर दूँ, क्योंकि ये ज़्यादा यानी कह लें इसमें मैसेज भी है जो हाजी आना चाहते हैं नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर। तो बस मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आप जाएँ ट्रैवल एजेंट के पास, आपको पता होना चाहिए, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि वो उनको लाजमी बताएं जी लुलु वाला हलील लेना है, अरीज होटल लेना है, या उसके आगे पीछे बस स्टॉपेज चाहिए, यानी कुबरी के से पहले पहले, कुबरी बहुत दूर है, वो देखें वो सामने कुबरी है, बहुत दूर है कुबरी, कुबरी के करीब नहीं आपने लेना। अगर कुबरी के करीब लेना भी है तो फिर होटल ग्रैंड आप जो है अमार अल ग्रैंड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इतनी दूर आया हूँ मैं अपने व्यूवर्स के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी ज़रूर कि वो होटल 5-स्टार होटल है और बहुत अच्छा सर्विस, बड़ी अच्छी है उसकी, तकरीबन 250 रियाल में आपको वो रूम मिल जाएगा, 250 से 300 रियाल भी अगर मिलता है तो सबसे बेस्ट है जी वो। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये अमार ग्रैंड होटल जो है आप ट्रैवल एजेंट से अगर ना भी लें तो आपको booking.com agoda.com से भी ये मिल जाएंगे। सांस चढ़ गया मुझे चल चल के इधर तक आया हूँ, लेकिन ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं स्पेशल ये देखें, ये सामने होटल ग्रैंड है जी, ये अमार ग्रैंड होटल, ये देखें ये बिल्डिंग देख सकते हैं आप, यानी इस होटल से आपको हरम जाने के लिए तकरीबन 25 मिनट लग जाते हैं। मैं बात करूँगा सही जो जेन्युइन बात है, झूठ नहीं होगा उसमें, कि 25 मिनट आपको यहाँ से चलते चलते लगेंगे हरम के, लेकिन होटल की सर्विस अच्छी होगी, होटल साफ़ सुथरा होगा, इतने पैसों में लोग इधर वाले होटल दे देते हैं, और गली के अंदर जो आप ये गली देख रहे हैं वो बहुत ही यानी सस्ते होटल होते हैं और आपको महंगे दामों वो भेज देते हैं कि आप जाएं जी। लेकिन मैं आपको ये मशवरा है मेरा कि अमार ग्रैंड होटल एक, और ये सामने अमार अल मनार होटल, ये भी होटल ज़बरदस्त है, ये देखिए साफ़ सुथरा होटल, 5-स्टार होटल के मुकाबले का ये होटल है, मैं आपको फिर नाम बता रहा हूँ, अमार अल मीनार होटल, ये भी आपको जनाब तकरीबन 300, 350, 400 रियाल तक भी मिले तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये है कि 300 तक ये इकोनॉमिकल है, 280-300 तक अगर आपको ये होटल मिल जाता है तो ये होटल बहुत ज़बरदस्त होटल है, ठीक है, यानी समझ आ गई आपको, यानी अगर आपने यहाँ तक आना है तो फिर इन दो होटलों के अलावा आप कुछ ना लें, ये ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है इनकी, ज़रूरी नहीं कि आप किसी एजेंट के पास जाएँ, ट्रैवल एजेंट के पास। तो ये इसकी एक और लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ब्रोस्ट अल फ्रोज, ये ब्रोस्ट अल फ्रोज के बिल्कुल करीब है ये होटल जो है ग्रैंड, और ये मनार अल मनार होटल। तो इन होटल्स के सामने पाकिस्तानी होटल भी हैं, अब जाके मैं खाना वगैरह भी ले लेता हूँ, यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने व्यूवर्स को ये बताना था, उनके लिए इन्फॉर्मेशन देनी थी उनको। तो बस दुआओं में ज़रूर याद रखिए, जब कभी आप आएँ तो मुझे दुआओं में याद रख लीजिएगा, बस यही आपके तरफ से समझ लें मुझे प्यार है जी। जी और उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा, आज के ब्लॉग में बड़ी इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जो मक्का आना चाहते हैं उम्रे पे, तो ये मेरा ब्लॉग अगर देखते हैं तो मैंने उनको लोकेशन भी बताई है होटल्स की, और आपको बताया कि होटल्स खुले भी हैं और प्राइस भी आपको बता दी है। इस तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ज़रूर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी मैं दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।